अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग करते हैं शुरू अल्लाह की रहमत करम और फजल के साथ। और आप लोग ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। और आज अभी हम जा रहे हैं फेस 9 में। कल भी हमने एक काम किया था और आज वहीं पे जा रहे हैं फिर से फेस 9 में। बैठे यार बैठे, कल हम थे 5 लड़के और सामान भी था। बैठ जाएं, क्या हो रहा है? आगे हो, कितना आगे हो, देखो मैं इधर बैठा हूं। भाई बैठा, भाई इधर बैठो, मेरे काट हाथ में रखो यार। लुई कब मेरे गुदड़े निकल गए यार, बिस्तर काम करो यार। चुप करो, क्या ड्रामा है? मेरी फरारी। अभी जो है हम काम पे पहुंच चुके हैं, तो अभी काम शुरू कर रहे हैं। तकरीबन 10-15 मिनट में ये हमारा काम शुरू हो जाएगा। तो ये वाली साइड जो देख रहे हैं इसको सुबह प्लास्टर करेंगे। जो बैक साइड है वो आपको दिखाता हूँ, उसको आज उसका प्लास्टर कंप्लीट करना है बैक साइड का। तो बाकी सीन आपको सारा दिखाते हैं कि आज का क्या सीन है। तो फाइनली हमने काम शुरू कर लिया है। तो अभी देखिए सीमेंट को मिक्स कर रहे हैं, सारा सीमेंट जो है ना मिक्स कर रहे हैं, रेत और सीमेंट जो होता है उसको मिक्स कर रहे हैं। जल्दी जल्दी इसको मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे, इसको पहले छाना लगेगा। छाना लगने के बाद इसमें पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद फिर नीरू बनाएंगे। फिर बहुत ही ज़्यादा काम होता है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। अब देखें कल्टी लगाना कितना मुश्किल है। अभी तो थोड़ा मौसम ठीक है, लेकिन गर्मियों में काफ़ी मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। अब देखें जब मसाला बन रहेगा, पानी में पानी डाल देंगे, फिर पानी डालने के बाद फिर जो है ना तगारियों में डालेंगे, फिर मिस्त्रियों को देंगे, फिर ये सारा चलता रहेगा। अब देखिए मैं बैक साइड पे आ गया हूँ। इस साइड को इन लोगों ने पूरा ही करना है, हमने पूरे भी इसको प्लास्टर करना है। जाली भी लगानी पड़ती है। ये देखिए अभी लड़का ऊपर जाली लगा रहा है। जाली लगाने का ये फ़ायदा होता है ताकि प्लास्टर बाद में पड़ना जाए। अब देख लें एक पैड हो चुका है। तकरीबन हमने 20 फुट चौड़ी दीवार है और 5-6 फुट ऊँचा पैड है, एक पैड है। तो उसको एक पैड कर लिया इन लोगों ने। इंशाल्लाह ये हमारा जो है ना 5-6 घंटे में ये साइड हमारी मुकम्मल हो जाएगी। अब देख लें ऊपर से फट्टे नीचे ले रहे हैं। अब ये लड़का आ रहा है, ये लड़का इस बांस के ऊपर चढ़ने वाला है। मुझे लगता है ऐसा कि ये चढ़ने वाला है, लेकिन ये नहीं चढ़ रहा अभी। तो ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। अब ये पैड जो हो गया ना, इससे ऊपर से फट्टे नीचे रखेंगे और फिर नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, फिर ऐसे चलते चलते शाम तक इंशाल्लाह कम्प्लीट हो जाएगा। अब इसको देखें, मैंने आपको बताया ना ये ऊपर चढ़ेगा, लेकिन मैंने वीडियो शूट नहीं की उस वक्त। लेकिन आप देखें अब इन्होंने दो पैड खोल लिया। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। एक बंदा ऊपर है, एक लड़का ऊपर काम कर रहा है और बाकी सारे नीचे कर रहे हैं। ऊपर नीचे ऐसा चलता रहता है सारा काम। तो फाइनली अभी थोड़ा सा काम बाकी है, तकरीबन एक पैड रह गया। मैं नीचे जाके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा रह गया एक पैड। अभी 2-3 बजने वाले हैं, 3 बजने वाले हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द काम ख़त्म हो जाएगा और कल इंशाल्लाह इस साइड पे हम काम शुरू कर देंगे। इधर लड़का लगा हुआ है, ये इसकी तैयारी कर रहा है इस साइड की। तो इंशाल्लाह कल भी इसका काम इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, इस साइड पे का भी ये जल्दी तैयार हो जाएगी। तो अभी मैं आ चुका हूँ ऊपर। ऊपर से आप देखें कितनी नीचे है। अब ये एंड पे पहुँच चुके हैं, आखिरी पैड पर पहुँच चुके हैं। तकरीबन इनको आधा घंटा या घंटा लग जाएगा ये काम ख़त्म करते करते। इस साइड की हमने तैयारी कर ली है, ये लड़का लगा हुआ है। अभी मैं पैड के ऊपर चढ़ के आपको दिखाता हूँ कि कितना मुश्किल है। ये देखिए मैं अभी 2 फट्टे के ऊपर चढ़ जाऊँ, चढ़ रहा हूँ। 3 मंजिला है ये। अभी ये देखें मैं जा रहा हूँ, ऊपर आ गया हूँ। देखें मेरे पाँव रह कर रहे, मैं डर रहा हूँ ना। ये मैंने इस लड़के ने बनाई है ये फोल्डिंग सारी। अब आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये कितना काम हो चुका है। अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ये साइड जो दूसरी नज़र आ रही है, इसको हमने कल किया था, कल वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। तो ये देखें अभी मैं नीचे से आ गया हूँ। ये वाली साइड जो है ना, ये भी कम्प्लीट हो चुकी है, इसकी फोल्डिंग बन चुकी है। इंशाल्लाह कल इसका काम कम्प्लीट। अभी चेक करें, अभी ये काम हो रहा है। अभी जो है हमारी साइड जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोग खुश हो ना, जलेबियाँ खानी है, जलेबियाँ ले आया।
तो अभी लड़कों ने बोला था कि जलेबियाँ खानी हैं, तो इसलिए मैं लेके आया हूँ जलेबियाँ। भी मैं थोड़ी सी खुद भी चेक कर लेता हूँ कि मीठियाँ भी हैं या नहीं है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।